सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में संत कबीर के जीवन मूल्य एवं समाज दर्शन के विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुद्रुक के संयुक्त तत्वावधान में संत कबीर के जीवन मूल्य एवं समाज दर्शन के विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, मुख्य वक्ता के रूप में आरडीजी महिला महाविद्यालय अकोला महाराष्ट्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निभा एस उपाध्याय उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दुर्ग के सुराना कॉलेज में 2 दिवसीय आयोजन होना है, जिसमे संत कबीर के जीवन मूल्यों एवं समाज दर्शन के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। साथ ही संगोष्ठी का उद्देश्य मानव की मानवता को जागृत करके उसके जीवन को सार्थक, सुखद व सफल बनाने का कारक परिवार, गुरुजन, समाज और साहित्य है। इस संबंध में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रतन चंद सुराना महाविद्यालय दुर्ग और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सेठ रतनचंद सुराना महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हो रही है। संत कबीर के ऊपर आधारित ये संगोष्ठी वास्तव में बहुत समसामयिक है और कबीर दास जी को तो जितना पढ़ें उतना कम है, और उनकी जो बानियां हैं वो अपने आप में बहुत गहन अर्थ अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि हर छात्र छात्रा को, और न केवल छात्र छात्रा को, हर व्यक्ति को इन बानियों का अध्ययन करना चाहिए और इनमें छुपी हुई जो गूढ़ बातें हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, और विशेष रूप से मंगलदास मंगलम जी, जो कबीर आश्रम से यहां पर विशेष तौर पर इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास से ये संगोष्ठी ने आज मूर्त रूप धारण किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।